मैं संकल्प लेता हूं कि मैं सूर्यास्त के पहले पहले मोहन को सही सलामत सुरक्षित इस घर में वापस लेकर आऊंगा। ठीक है बक्सी जी, अगर आप कल्याणी की खातिर मोहन की खातिर अकेले ही जाने का खतरा मोल ले रहे हैं तो मैं भी एक संकल्प लेती हूँ कि मैं कल्याणी को इस बारे में कुछ भी नहीं बताऊंगी। लेकिन अगर सूर्यास्त से पहले आप नहीं लौटे तो मैं खुद कल्याणी को सब कुछ सच बता दूंगी और आपकी मदद के लिए सैनिकों को वहां भेज दूंगी। पर राधा, राधा राधा अब भी आपकी पत्नी है ना बक्सी जी, इतना हक तो बनता है ना। सर, शालमी, जगबंधु को माल गोदाम की तरफ जाते हुए देखा गया है, वहीं जहां मोहन को बंद करके रखा है। सर फ्लेचर को इन्फॉर्म कर दें क्या? इसका मतलब ये है कि अंबा ने अपना काम नहीं किया है। कोई बात नहीं, सर फ्लेचर के साथ हमने दूसरी योजना तैयार कर रखी है। जाने दो जगबंधु को वहां, होने दो उसका गदाधर से सामना। गदाधर जगबंधु से नफरत करता है, इसलिए इतनी आसानी से मोहन को ले जाने नहीं देगा। दोनों में लड़ाई होगी और हो सकता है कि गदाधर जगबंधु को मार दे। पर ऐसा नहीं किया गदाधर ने तो जगबंधु गदाधर को मार देगा। दोनों में से कोई भी मरे, फायदा हमारा ही है। रुदान कमजोर पड़ेगा, यहाँ के लोग कमजोर पड़ेंगे और यही कमजोरी हमारी ताकत बनेगी। और बहुत जल्द रुदान हमारी मुट्ठी में होगा। बक्सी जी का प्यार और भरोसा वापस पाने के लिए मैंने वो सब कुछ किया जो मैं कर सकती थी। उनकी एक खुशी के लिए 100 दुख हंसते हंसते सह लिए मैंने। भगवान, ये अब आपकी जिम्मेदारी है कि वो वापस सुरक्षित आए। जगबंधु जी जरूर वापस आएंगे। वो भी जीत कर, अपने मकसद में कामयाब होकर। भगवान जगन्नाथ जी ये जिम्मेदारी अवश्य लेंगे, क्योंकि वो भी जानते हैं कि बख्शी जगबंधु जी पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। मेरे 3-3 बच्चों का जीवन उनके जीत कर लौटने के साथ जुड़ा हुआ है। 3? हाँ, मोहन, कल्याणी और राधामणि। बक्सी जी ने जाने से पहले कहा था कि कल्याणी को इस बारे में कुछ भी पता नहीं चलना चाहिए, हमें यही सुनिश्चित करना है। हाँ, अगर कल्याणी को जगबंधु जी की अनुपस्थिति के बारे में जरा सा भी संदेह हो गया तो समझ जाएगी। हल्दी की रस्म पर उनका ना आना, इसका मतलब जरूर कुछ गलत हुआ है। राधा को समझाते हुए जीवन बीत गया है मेरा। राधा से कहा था कि जमाल जी के सामने महान लगना है। सच में महान बनने को नहीं कहता, मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। जमाल जी के बाहर जाने की खबर किसी तरह कल्याणी तक पहुंचानी होगी। जी पंतरा जी, हाँ, आप मुझसे कुछ कह रही है? नहीं, एक काम करो, ये हल्दी जाकर समधन जी को दे आओ। जी ठहरो, जमाई जी के नाम का कोई पत्र आया है क्या? वही जगह जो चंपा ने बताई थी। मोहन, मोहन, जगबंधु जी, जगबंधु जी, मोहन, जगबंधु जी, मैं यहाँ पे हूँ। तो मोहन की आवाज है? मोहन, मोहन, अब डरने कोई बात नहीं, मैं आ गया हूँ। इतनी आसानी से बचा लेंगे इसे?
कहता था तुम ये जानते भी हो तुम क्या कर रहे हो? अच्छी तरह से जानता हूं, रोडंग का इकलौता वारिस, अपनी जगह और अपना हक वापस लेने की तैयारी कर रहा हूं। काश तुम समझ पाते कि हक के साथ साथ जिम्मेदारी भी आती है, जिसे निभाने से ही इंसान उस पद का सही मायने में हकदार होता है। लेकिन तुम गदाधर, तुम अपने पक्षी की कुर्सी के लालच में तुमने सिर्फ मुझे ही नहीं बल्कि इस घर के हर एक शख्स को धोखा दिया है, विश्वासघात किया है तुमने। तुम इस हद तक गिर गए कि राधा कल्याणी की जान ले लेगी। रस्म शुरू करें, आओ आप भी आइए ना। अरे यहां तो सिर्फ 6 सुहागने हैं, 7 होनी चाहिए ना। राधा पंथरा देवी कहाँ है? आ गई। आप कहाँ थी? आपका यहाँ होना जरूरी है, आ जाइए। मैं यहीं आ रही थी लेकिन एक सेवक ने रोक लिया। ये कुछ पाइकों के जरूरी कागजात हैं, जो जमाई जी तक तुरंत पहुँचाने हैं ताकि वो इनकी जांच कर सके। हाँ ठीक है, मुझे दीजिए, मैं देकर आती हूँ, आप रस्म कीजिए। माँ रुकिए, मैं जाकर दे देती हूँ, वैसे भी आपको रस्म पर नजर रखनी होगी ना। पर राधा तुम्हें तो रस्म करनी है, तुम कैसे जा सकती हो? हाँ राधा, तुम कैसे जा सकती हो? ज्यादा महान बनने की जरूरत नहीं है, जो मैं करना चाहती हूँ करने दो मुझे। माँ मैं दे आती हूँ ना। ओहो, ना आप कही जाएंगे ना आप। माँ को रस्म में अपनी नजर रखी है और राधा दीदी को अपने हाथ। मैं जल्दी से जाके बक्सी जी को ये देकर आती हूँ। रुको बेटा, आप सबको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, लाओ मुझे दो। मैं वहीं जा रहा हूँ बख्शी जगबंधु जी के पास, कुछ बात करने, मैं दे दूंगा। बस कीजिए माँ, मैंने बख्शी जी से वादा किया है और वो वादा मैं जरूर निभाऊंगी। मैं नहीं चाहती कि आने वाले 2 घंटे में कोई भी बख्शी जी को ढूंढता हुआ यहाँ आए। क्या जगबंधु जी ने कदाधर को ढूंढ लिया होगा? मैं और इंतजार नहीं कर सकती, मुझे पता करना ही होगा गदाधर जी सुरक्षित है या नहीं। शर्त लगा लो, जगबंधु जी गदाधर को जिंदा नहीं छोड़ेंगे। मुझे नहीं लगता जगबंधु जी जैसे इंसान अपने भाई को कैसे मार सकते, मुझे तो लगता है उल्टा गदाधर मारेगा अपने भाई को। लगा लो 4 मोहरों की शर्त, जीत या मौत किसी की भी हो, ये तमाशा देखने में मजा बहुत आएगा। उन दोनों को यह भी नहीं पता कि उनकी आपस की लड़ाई है। हर हाल में असल में जीत हमारी है, वो लड़े और रोडंग हमारा। नहीं, नहीं,
क्या लगा था तुम्हें ये अकेले अपने दम पर तुम यहां से बचा ले जाएंगे? कुछ ज्यादा ही आत्मविश्वास भरा हुआ है इनमें। अब यही आत्मविश्वास इन्हें ले डूबेगा। पापा कहाँ रह गए? एक जरूरी घोषणा, आप सब ध्यान से सुनिए। शादी बिना मेहमानों के, बिना नाच गाने के, बिना शोर शराबे के हो रही है। इसका मतलब ये नहीं है कि हम शादी वाले घर का आनंद नहीं उठा सकते। जरा देखे तो कि हमारी दुल्हन किन किन कलाओं में निपुण है। इसलिए मैंने फैसला कर लिया कि हल्दी की रस्म होने तक हम कल्याणी को परखेंगे। मतलब मुझे क्या करना होगा? अब हम सब ये तो जानते हैं कि राजकुमारी कल्याणी तलवारबाजी में माहिर है, पर ये भी तो देखें कि क्या इन्हें सुर और ताल की समझ है। मैं और गाना, दीदी मुझे माफ कर दीजिए, कुछ भी करवा लीजिए लेकिन गाना मत गवाइए, मुझसे नहीं होगा। अरे होगा ना, तुम एक काम करो, अपनी आंखें बंद करके अपने बक्से जी के बारे में सोचो, फिर देखो कैसे गाने के बोल खुद ब खुद मुंह से फूटेंगे। कल्याणी, उठिए जगबंधु जी, जगबंधु जी उठिए, आप इतने बहादुर हैं जगबंधु जी, आप ऐसे हार नहीं मान सकते। मैं बड़ा होकर आपकी तरह बनना चाहता हूँ। जब कल्याणी दीदी को पता चलेगा तो वो क्या सोचेगी कि जगबंधु जी ने मोहन को बचाने की लड़ाई बीच में ही छोड़ दी? बोलिए ना, उठिए जगबंधु जी, आंखें खोलिए बख्शी जी, जगबंधु जी उठिए। सावरे 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 सावरे। अरे वाह कल्याणी, कितना सुंदर गाती हो तुम। कभी सोचा नहीं था तलवार चलाकर लड़ाई जीतने वाली इतना सुंदर गाकी सबका दिल भी जीत सकती है। हाँ कल्याणी, बहुत ही कमाल का गाना गाया तुमने। किसी की नजर ना लगी। ये लो, रखो। मेरी तरफ से तुम्हारे लिए। लगता है इन्हीं बातों पर हमारे बख्शी जी का दिल आ गया इन पर। हाथ में तलवार, गले में सरस्वती, सोने जैसा दिल और उसमें सबके लिए प्यार। चलो बहुत हुआ अभी ये तमाशा। बख्शी जी की विदाई का समय आ चुका है।
राधा, इस तरह से उठ के चले जाने से मुसीबत नहीं टल जाएगी। आज सब लोग कल्याणी की तारीफ कर रहे हैं, कल वही लोग उसे कुल स्वामिनी बनाकर अपना सर पे बैठा लेंगे। बस कीजिए माँ। राधा, तुम समझ क्यों नहीं रही हो? कल तक जमाई जी अपनी राधा मणि के अलावा किसी और स्त्री के बारे में सोच भी नहीं सकते थे, लेकिन आज कल्याणी कल्याणी करके फिर रहे, और सिर्फ जमाई जी ही नहीं, यहाँ हर कोई कल्याणी के नाम की माला जप रहा है। अब आगे क्या होगा भगवान ही जाने। जब तक ये बच्चा दुनिया में आएगा, दुनिया ही बदल चुकी होगी। राधा, तू मेरी बात मान क्यों नहीं लेती हो? कल्याणी को जाके बता क्यों नहीं देती जमाई जी कहाँ गए हैं और क्यों? और जमाई जी को जाके कह देना कि तुम्हें उनकी बहुत चिंता हो रही थी, इसीलिए तुम रुक नहीं पाई। बस मैंने भक्सी जी से वादा किए कि सूर्य अस्त तक मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगी। जितना वादा निभाना था निभा चुके, अब बस करो, देर मत करो राधा। जैसे मैं कह रही हूं कर डालो। मैं तुम्हें चोट पहुंचाना ही चाहता था, मुझे मुझे मजबूर मत करो। अपनी लालच के लिए तुमने एक छोटे बच्चे को कैद में रखा, उसे बंदी बना के रखा, शर्म आई चाहिए तुम्हें? क्या सच में तुम्हारे अंदर का इंसान मर चुका है? हाँ, मर चुका है, मर चुका है। नहीं हूं मैं इंसान, हैवान हूं मैं, हैवान। मुझे हैवान तुमने बनाया है, तुमने। तुम इस परिवार के, इस घर के कुछ नहीं लगते। तुम्हें गोद लिया गया था, उसके बाद भी तुमने मेरा सब कुछ मुझसे छीन लिया। मेरी माँ का प्यार, पक्षी की गद्दी, मेरे सारे अधिकार मुझसे छीन लिए तुमने। और तुम्हें तो सब कुछ इतनी आसानी से मिल गया, इसलिए बड़े इंसान बने फिरते हो ना। रोडंग, रोडंग का मसीहा, पक्षी जगबंधु, पायकाओं का रक्षक। इस पक्षी जगबंधु ने ही मुझे हैवान बनाया है, तुमने हैवान बनाया है मुझे। तुम्हारी वजह से आज मेरी ये हालत है, तुमने बनाया है मुझे ऐसा, तुमने, तुम्हारी वजह से। रुक जाइए, क्या कर रहे हैं आप लोग? यही तो चाहते हैं वो फिरंगी, यही चाहते हैं वो कि आप दोनों आपस में लड़ पड़े, रोडंग को अपने अधिकार में लेने का उनका काम और आसान हो जाए। आपको क्या लगता है, अगर फिरंगियों ने रोडंग को अपने हाथ में ले लिया तो आपको कुर्सी का अधिकार मिलेगा? नहीं, वो आपको जीने का अधिकार भी नहीं देंगे, मार डालेंगे आपको। ये सब उनकी चाल है। आप दोनों को एक साथ एकजुट होकर भाई बनकर उनके खिलाफ लड़ना होगा। क्या आपने मुझसे वादा किया था? क्या आपको याद है ना, प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।